तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निर्दलू नियमाकालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गईं। किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की बेटे, यहाँ की बेटियां इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आपका आंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी इस देश के लिए। इंद्रम्मा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहां तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी, तो मेरी माँ सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहाँ की आवाज क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। और मुझे याद है कि एक सरल निर्णय नहीं था, एक तरह से एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीति के बारे में सोचती, तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा, आपकी इच्छा के बारे में सोचा, जो आंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा, जो आप चाहते थे उसको सुना, समझा और तभी ये निर्णय लिया गया। प्रियंका गांधी और बच्चे युवा भाई बहुत सम्मान की सीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली? नहीं। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? मात्र